लाइफ इन अ डेजर्ट सहरा की जिंदगी द विज ब्ल्यू सेविजली अक्रॉस द डेजर्ट सेविजली एंड अनकट्रोल्ड मैनर इनकी हवा बहुत बेरहमी से चल रही थी ट्वेल्व यर ओल्ड रबिया हेडल्ड अंडर हर ब्लैंकेट हेडल्ड है इकट्ठी हो रही थी ब्लैंकेट के अंदर दिस वॉज नाट द फस्ट टाइम ये पहली दफ़ा नहीं था दैट शी हैड बीन इन द डेजर्ट स्ट्रॉग कि वो सहरा के स्ट्रॉ तूफान में हो शी वॉज आ नेटिफ दहारा सहारा इज़ द नेम ऑफ द डेजर्ट वो यहाँ की बाशिंदा थी रहने वाली थी द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सेंड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एक्सपेंट बहुत ज़्यादा वसूत वाइड कंटिन एरिया नार्थ नॉर्थ अफ्रीका का ये बहुत ही वसी इलाका है बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट बट इस वक्त ये मुख्तलफ था इट हैड नाट रेन इन टू ईयर्स दो साल से यहाँ बारिश नहीं हुई थी दे हैड बी ट्रेवलिंग फ्राम वन ड्राइड अप ऑसिस टू एन अदर इन सर्च ऑफ वाटर ऑस्सिस को कहते हैं यानी कि अ फर्टाइल स्पॉट इन द डेजर्ट यानी कि सहरा में ऐसा इलाका जहाँ पर कुछ कास्ट किया जा सके ठीक है इसको नेगलिस्तान कहते हैं अ फर्टाइल स्पॉट इन द डेजर्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे बिलोंगिंग टू दॉ नोम बर्बर रेस नोम रेस खाना बदोशों की दौड़ के साथ वो चलते थे दे डिड नॉट लाइक टाउन्स और बिग सिटीज वो टाउन्स और बड़े शहरों को पसंद नहीं करते थे रबिया फादर कासम एंड ब्रदर हसन हैड लेफ्ट फॉर द नियरस्ट टाउन एग्जैक्टली थ्री थ्री वीक्स अगो रबिया के वालिद और भाई ने थ्री वीक्स पहले ये इलाका छोड़ा दिस वॉज द लॉन्गेस्ट दैट दे हैड एवर स्टेड अवे ये सबसे ज्यादा टाइम था जहाँ पर उन्होंने स्टे किया दे हैड गोन टू द मार्केट टू बार्टर देयर गोड्स बार्टर मीन्स एक्सचेंज थिंग्स कि चीज़ें देखकर चीज़ें लेना बार्टर देयर गोड्स एंड बीड नेकलेस एंड वेस्ट दैट रबिया हेल्प मेक विद हर ग्रैंड मदर ज़ुबैदा मदर आयशा एंड सिस्टर मनाल फॉर द सप्लाईज दैट द फैमिली नीडिड मीन्स के उन्होंने गोट बकरी को बीड नेकलेस गले के हार वेस्ट कीमती कपड़े जो रबिया ने अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ मिलकर तैयार किए थे इनको बेचकर उन्होंने चीज़ें खरीदी दे सेल्डम ट्रेडिड इन कैश एज दे डिड नॉट हैव मच नीड ऑफ इट इन द डेजर्ट यानी कि जितनी उन्हें इस डेजर्ट में इस चीज़ की जरूरत थी उस पर उन्होंने चीज़ें खरीद ली। इन रिटर्न दे वुड एक्वायर आइटम्स दैट दे कुड नॉट मेक दैम सेल्फ सच एज बेल्स ऑफ क्लोथ। बेल्स ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़ों का बंडल उन्होंने खरीद लिया विच द वुमेन्स टिस्ट इन टू क्लॉथ फॉर द होल फैमिली जो होल फैमिली तमाम फैमिली के लिए उन्होंने कपड़े तैयार करने थे Sometimes Aisha would ask for brass pots or pans. Aisha ne apne ke liye kaha. Otherwise they would bring packets of flour, sugar, tea, and spices. Kasim would never forget to bring presents for the family. Kasim's apni family ke liye lana nahi When he returned from his last trip, he brought a beautifully bound Quran for his mother, every clasp for his wife. अपनी मदर के लिए वो कुरान पाक लाया और अपनी बीवी के लिए एवरी क्लास एवरी क्लास पे है एक ब्रेसलेट है बकल यानी कि एवरी हाथी के दांतों का बना हुआ अरेबियन नाइट्स फॉर मनाल मनाल के लिए अरेबियन यानी के अरबी स्टाइल का एक बहुत बड़ा कुर्ता लाया एंड आप बुक ऑन मैथमेटिक्स फॉर रबिया रबिया के लिए मैथ की बुक लाया वाइल हसन शोड ऑफ हिज न्यू मोबाइल फ़ोन हसन ने अपना नया फ़ोन दिखाया He could not wait to meet his friend. वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेताब था Talal, who was in the other caravan, as he too had a mobile phone. हसन के पास एक और फ़ोन था एंड नाउ दे कुड एक्सचेंज नंबर टू स्टे इन टच अब वो दोनों आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करके एक दूसरे से बात कर सकते थे बट दिस ईर दे हैड स्लॉड मोस्ट ऑफ़ देअर गोड्स टू प्रिवेंट दैम फ्राम डाइंग ऑफ स्टारवेशन इस साल उन्होंने बहुत सी बकरियाँ वबाँ की प्रिवेंट बचाने के लिए फ्राम डाइंग ऑफ स्टारवेशन भूख से मरने के, के भूख से मरने से बचाने के लिए उन्होंने बहुत सी बकरियाँ बा की सो ऑल्दो दे हैड इनफ शूज़ वाटर बैग्स एंड सैडल्स यानी कि घोड़े की जीन बैग्स uh, पानी के शूज़ उनके पास बहुत ज़्यादा थे दे वर शॉर्ट ऑफ मीट उनके पास गोश्त की कमी थी मिल्क दूध एंड बटर मोस्ट ऑफ देयर फोल हैड मेट द सेम फेट बहुत से उनके परिंदों ने यही किस्मत पाई थस रिड्यूसिंग देयर सप्लाई ऑफ एग्स इनकी अंडों की सप्लाई कम होगी फूड वॉ समथिंग दे हैड ऑलवेज बीन सेल्फ सफिशेंट खुराक इतनी थी कि जो उनके अपने लिए बस काफ़ी थी बट इफ़ दे ड्राइड स्पेल डिड नाट अ बैट और ये उनकी भूख को कम करने के लिए काफ़ी ना थी देन कासिम वुड हैव टू थिंक अबाउट सेटिंग इन आ टाउन और अ सिटी कासिम ने शहर में जाने का सोचा ग्रैंड मदर जुबैदा हुज प्रेयर वर मोस्टली फॉर रेन जुबैदा जिसकी दुआएं ज़्यादातर बारिश के लिए थी वाज नाउ पेंग फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ देयर मैन फोक यानी कि अपने आदमियों के वापस आने की दुआ कर रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम शी विश्ड शी हैड एग्रीड टू हसनस फरवेंट प्लीज फ़ॉर द मोबाइल फोन्स फ़ॉर द फैमिली ऑल्सो यहाँ पर उसे हसन की इस बात की तारीफ़ की कि हर फैमिली मेम्बर्स के पास फ़ोन होना चाहिए फरवेंट मीन्स पैशन एट हार्टफर्ट इनके पुरजोश था कि हर एक के पास फ़ोन हो द स्काईज़ डार्क एंड एंड द वड हॉलिंग ग्रू लाउडर आसमान काला हो रहा था और हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी कि आसमान जो है अंधेरा बढ़ रहा था अ क्लैप ऑफ थंडर रिसाउंड थ्रू द टेंट यानी कि बादलों की जो घनाहट गन, थी वो टेंट के अंदर महसूस हो रही थी दुमेन लुकड एट वन एंड अदर एनशियसली और ख़वान एक दूसरे को बेताबी से देख रही थी सडनली बिग ड्रॉप बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टार्टेड बीटिंग अगेंस्ट द ट्बलिंग टेंट एक बारिश का बहुत बड़ा खतरा टेंट के ऊपर गिरने की आवाज आई देन द स्वीटेस्ट साउंड एवर रीच्ड देयर इयर्स खूबसूरत आवाज इनके कानों तक पहुंची द हुवस ऑफ कैमल टीनिंग थ्रू द विंड वूब ऑफ कैमल कैमल के पांव हार्ट फुट ऑफ कैमल्स उनकी आवाज जमीन पर बजती महसूस हुई रबिया थ्रू अवे हर ब्लैंकेट रबिया ने अपना कंबल फेंका एंड हर ग्रैंड मदर रेस्ड फॉर हर हैंड्स इन द पेयर ऑफ गेडीट्यूड और उसकी मदर ने तशक् के लिए हाथ उठाए इनकी दुआ के लिए हाथ उठाए कि बारिश हो गई ओके स्टूडेंट्स नाउ योर डायरी इज रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर फोर लाइफ इन डिफरेंट प्लेस स्टोरी नंबर वन अश स्वीडिश फैमिली स्टोरी नंबर टू लाइफ इन डेजर्ट आल्सो फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन वर्ब एडवर्ब एंड एड्जेक्टिव आल्सो लर्न वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश एंड उर्दू बहुत स्टोरीज से आपने ये फ़ाइंड करना है ओके okay, स्टूडेंट दुआ सुबह नकमदीका अशहदुल्लत अस्तफिरुका थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि